बेरोजगारों का गुजरात में आंदोलन जारी है। आपको बता दें पिछले 20 दिनों से गुजरात में चल रहा है बेरोजगारों का आंदोलन और ऐसे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले चल रहा है आंदोलन, जहां आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे बेरोजगार दीपक बेचकर चला रहे अपना गुजारा। बेरोजगारों ने गुजरात में जगह जगह फुटपाथ पर लगाई दीपकों की दुकान। महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि फुटपाथ पर काम करके अब बेरोजगारों के लिए रोटी का करेंगे इंतजाम, लेकिन बिना मांग पूरी हुए वापस नहीं लौटेंगे राजस्थान। और देखिए ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये गुजरात से तस्वीर सामने आई है जहां आप देख सकते हैं उपेन्द्र यादव वहां पर बैठे हुए हैं, साथ ही उनके साथ जितने भी बेरोजगार आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं वो वहां पर मौजूद हैं और सभी दीपक बेचने का यहां पर प्रयत्न कर रहे हैं। उपेन्द्र यादव ने कहा है कि दीपक बेचकर रोटी का इंतजाम करेंगे, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक राजस्थान लौट कर नहीं जाएंगे। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले ये तस्वीर जी राजस्थान पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं आंदोलन को लेकर, जिनमें से कई बार उपेन्द्र यादव को हिरासत में भी लिया गया, काफी परेशानियों का यहां पर बेरोजगारों को सामना करना पड़ा, और अब तस्वीर जो सामने आ रही है उससे समझ में आ रहा है कि दीपक बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं बेरोजगार, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वापस नहीं लौटेंगे, ये कहा है उपेन्द्र यादव ने। जी बिल्कुल आयुषी, 20 दिन से प्रदेश के बेरोजगार अपनी 20 की मांगों को लेकर गुजरात में डटे हुए हैं। हमने देखा कि विभिन्न तरीके से ये बेरोजगार अपना जो विरोध है वह जताते हुए नजर आए। बेरोजगारों ने साफ चेतावनी दे दी थी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वह राजस्थान नहीं आएंगे, लेकिन अब महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेन्द्र यादव, उनका ये कहना है कि 20 दिनों से बड़ी संख्या में बेरोजगार गुजरात में डटे हुए हैं, आर्थिक संकट अब उनके सामने गहराता जा रहा है, तो ऐसे में अब बेरोजगार इस दिवाली पर दीपक बेचकर अपना गुजारा चलाएंगे, क्योंकि नहीं आने की उन्होंने चेतावनी दे दी है कि मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में जो बेरोजगार गुजरात में डटे हुए हैं उनके सामने रोटी का संकट हो गया है, और इस रोटी के संकट को दूर करने के लिए बेरोजगार हैं तो फुटपाथ पर दीपक बेच रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, गुजरात में जगह जगह सभी बेरोजगार टुकड़ों में बटकर ये दीपक बेच रहे हैं। इसके साथ ही कई बेरोजगारों ने तो यहां तक कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया जाता है तो ऐसे में जो वहां पर मजदूरी है मजदूरी करके भी वे अपना पेट भरेंगे, लेकिन जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। जी बिल्कुल ललित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर बेरोजगारों का यह कहना है कि चाहे मजदूरी करनी पड़े वो भी करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे सरकार मान नहीं लेती। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश